हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप अपने एसटीसी पे की एप्लीकेशन में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी वीज़ा कार्ड के और बग़ैर किसी मादा कार्ड के। तो अलराज्य की ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए हम सद्दात पेमेंट में अपने एसटीसी पे के अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। तो जी गाइज, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, हमारे सामने हमारे मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो गई है और अलराज्य की एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। तो ऊपर जो बाईं साइड पे तीन डॉट हैं उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पाँचवें नंबर पे पेमेंट्स का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। पेमेंट्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो तीसरे नंबर पे है वन टाइम सद्दात पेमेंट, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च में 001 लिखें तो ये एसटीसी लिखा आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बिल डिटेल लिखें, यानी कि आपका जो सद्दात का एसटीसी पे वालों ने सद्दात का अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखें। वो लिखने के बाद आप गो टू गेट टू अमाउंट पे लिखे क्लिक करें और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप जितने भी पैसे ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे लिखें। फ़र्ज़ करें मैं इसमें अपना 2400 रियाल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 2400 लिख रहा हूँ। आप जितना भी ऐड करना चाहें वही उतने ही लिखें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल मांगेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डाटा आपका शो हो जाएगा कि आप कितने पैसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म में क्लिक करेंगे तो आपके अलराज्य के नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको आप अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे एसटीसी पे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो जी गाइस, ऐसे आपको पता है कि एनसीपी वालों ने अभी जो लिमिट दी हुई है वो अभी बंद कर दी है, यानी कि पहले हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे तो अभी उन्होंने 500 रियाल पर मंथ लिमिट लगा दी है। तो इस तरह हम अलराज्य से अनलिमिटेड पैसे एसटीसी पे में ऐड